नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कहने को तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अब अपराधियों के मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है, वो अधिकारियों से भी रंगदारी मांगने लगे हैं। कुछ ऐसा ही वाक्या कटिहार से हमारे रिपोर्टर ने भेजी है। क्या है खास रिपोर्ट, आपको दिखाने के पहले आपको बता दें कि मानसिक प्रताड़ना और रंगदारी से आहत कटिहार में वरीय सरकारी पदाधिकारी, और वो भी रजिस्ट्रार स्तर के पदाधिकारी हैं, मानी रंजन से सहायक थाना में रजिस्ट्रार ने कहा है कि विपिन किशोर तिवारी पिछले कई दिनों से उन्हें लगातार तंग कर रहा है और अब वह 2 लाख रंगदारी की मांग कर रहा है। रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की उन्हें धमकी भी दी जा रही है। बच्चियों के किडनैपिंग करने की भी धमकी मिल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या है बिहार में सुशासन। रजिस्ट्रार क्या कह रहे हैं और क्या है ये पूरी खास रिपोर्ट, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, लगभग 1.5 साल पहले बीके तिवारी नाम के व्यक्ति हमारे रजिस्ट्री ऑफिस में आए थे और उनके साथ उनका कोई संबंधी था या परिचित था जिसकी रजिस्ट्री थी। उन्होंने उस रजिस्ट्री में वैल्यू कम के करके रजिस्ट्री करने के लिए मुझे कहा था, जिसके लिए मैंने सीधा सीधा इनकार कर दिया। फलतः उन्होंने मुझे भविष्य में अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए वो कार्यालय से चले गए। मैं इस चीज़ को हल्के में लिया, लेकिन फिर बीके तिवारी द्वारा लगभग 6 महीने के बाद भारत और बिहार की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी को मेरे बारे में अनर्गल साक्ष्य रहित परिवाद विभिन्न विभागों में डाला गया। कई विभागों द्वारा परिवाद की जांच की गई, मैंने अपना पक्ष रखा, जांच प्रक्रिया संपन्न हुई और उनके परिवाद को निरस्त कर दिया गया। जब उनसे साक्ष्य की मांग की जाती रही तो वह टाल मटोल की नीति अपनाते रहे। हमेशा वो राह चलते मुझे अपमानित करते रहे हैं, प्रताड़ित करते रहे हैं। इवेन उन्होंने इन सारे परिवादों को समाप्त करने के लिए 2 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। अगर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 2 लाख रुपये रंगदारी में नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ इसी तरह से परिवार डाल के आपको कटिहार में रहना मुश्किल कर देंगे, आप जिला अवर निबंधक के रूप में कटिहार में कार्य नहीं कर पाएंगे, आप मुझे 2 लाख रुपया दीजिए। जब मैंने इनकार कर दिया तो फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 लाख रुपया आप नहीं दीजिएगा तो हमको AC दे दीजिए। हमने उस समय में भी इनकार किया और उसके बाद वो तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाकर हम पर छीटाकसी करते रहे। हमारे जान माल की क्षति पहुंचाने की उन्होंने धमकी दी। इवेन यहाँ तक कहा कि आपके 2-2 बच्चे स्कूल जाते हैं, जो छोटे छोटे आपकी 2 बेटियाँ हैं वो स्कूल जाती हैं, मैं रोज़ सुबह में उनको देखता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उनकी मंशा क्या थी, लेकिन मैं थोड़ा भयभीत हो गया और अपने को निरंतर उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण अपमानित महसूस करने लगा। फलतः बाध्य होकर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR करवानी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना साक्ष्य के और बिना तथ्य के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कोई परिवाद न डाल सके। और नहीं, कहाँ मामला दर्ज करवाया आपने? मैंने सहायक थाना मिर्चाई बारी में FIR दर्ज करवाई है और मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप बेशक परिवाद डालिए, लेकिन पहले जांच लीजिए कि जिस व्यक्ति के बारे में या जिस पदाधिकारी के बारे में आप परिवाद डाल रहे हैं, जो तथ्य आप दे रहे हैं वह सत्य है या नहीं। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर परिवाद डालता है तो सबसे पहले उससे एफिडेविट लिया जाए
और तभी ही उस परिवाद के ऊपर कार्रवाई की जाए। इतना मानसिक आहत फील कर रहे हैं अपने आप? मैं बहुत मानसिक रूप से मैं बहुत प्रताड़ित अपने को महसूस करता हूँ। मैं सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ, हमेशा में उद्वेग बना हुआ रहता है। लगता है कि मैं सरकारी नौकरी करके एक गलत निर्णय लेकर मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, इससे अच्छा होता कि मैं बेरोजगार रहता, क्योंकि रोज़ रोज़ की परेशानियों से मैं नहीं जूझता। रोज़ रोज़ परिवाद के माध्यम से मेरा 3 साल तक कटिहार में रहते हुए मैंने 3 साल अपना जैसा समय गुजारा है, भगवान न करे ऐसा समय किसी को कोई दे। तो आपने देखा कटिहार से ये हमारे संवाददाता रितेश रंजन की खास रिपोर्ट थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक के साथ बने रहिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।